हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम जा रहे हैं पढ़ने जो है कि एग्रीकल्चर एग्जाम का जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि इसका पार्ट थर्ड देखने वाले हैं, जो है कि पार्ट वन एंड पार्ट टू में जो है कि पार्ट वन एंड पार्ट टू जो हम पहले देख चुके हैं, जो उसमें क्या क्या देखे थे। पार्ट वन एंड पार्ट टू जो है दोनों मिला करके जो है कि उसमें 30 क्वेश्चन देखे हैं, उसमें 30 क्वेश्चन देख चुके हैं, 1 to 30। आगे देखेंगे 30 से आगे देखेंगे 32 ऑनवर्ड जो है कि 50 जितना भी लास्ट तक ले सब क्वेश्चन देखेंगे आज कंप्लीट बायोलॉजी का, जो है कि 2018 का जो है कि जैसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है 2018 का है, उसी को देखने जा रहे हैं जो हम जो है कि पूरा देखते आ रहे हैं इसको देखेंगे। और जो है कि अगला आगे कंटिन्यू करेंगे अगला बार में केमिस्ट्री अगले लेक्चर में। आप लोग जो है कि अच्छा लगे वीडियो क्वेश्चन, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी हेल्प हो पाए हो तो आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग जो है किसी में जो इसी चैनल पर जो है कि नेक्स्ट बार से जो है कि अगले भी एग्जाम होगा उसके बाद जो है कि इसको हम हर एक चीज़ पर पढ़ाएंगे, यही जो है हर एक चैनल इसी चैनल पर आप लोग के बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। हम लोग एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा कभी, इस तरह से पढ़ाएंगे आप लोग को। इसलिए जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है इसके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो भी एडमिशन फॉर्म कब आएगा, काउंसलिंग कब होगा, रिजल्ट के बारे में हर एक जानकारी इस पर हम देंगे आप लोग को। रिजल्ट कैसे चेक करना है, फॉर्म कैसे भरना है, JCC हो, JCC मतलब कि एग्रीकल्चर हो, पैरामेडिकल हो, चाहे BC नर्सिंग हो, ANM GNM जो भी हो, हर एक चीज़ इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। इसलिए जो है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ठीक है, देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है देखते हैं। बोल रहा है कि डैम, देखिए क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ से देखते हैं। बोल रहा है कि डैमेज टू, क्या बोल रहा है, डैमेज टू थाइमस इन चाइल्ड में लीड टू, जो बोल रहा है कि अगर जो चाइल्ड में जो है कि थाइमस जो है डैमेज हो जाता है यानी ख़राब हो जाता है तो उसमें क्या होगा। पहला बोल रहा है ए में रिडक्शन इन द हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड, या हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है कि कम हो जाएगा। आप लोग बताइए कि थाइमस क्या करता है इसमें। अगला में क्या है, द लूज ऑफ द क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अगला बोल रहा है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, उसका उसका जो है लॉस हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला में सी में क्या बोल रहा है, द लॉस ऑफ द एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। अगला में लास्ट में डी में क्या बोल रहा है कि रिडक्शन ऑफ द स्टीम सेल। ये जो है कि इसका जो है कि आप लोग क्या मिलेगा, देखिए इसका जो है कि क्लास 12th का जो है कि चैप्टर पढ़ना है, उसमें जो है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, किसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़िएगा। जब वहाँ पर आपका लिखा गया है कि जो है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है कि उसका जो है कि मेच्योरेशन कहाँ पर होता है, थाइमस में ही होता है मेच्योरेशन। अगर जो मेच्योर नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, सेल इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का होगा, इसमें कम हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। मतलब NCERT पढ़ सकते हैं, NCERT में लिखा हुआ है, लाइन टू लाइन NCERT से ही क्वेश्चन सब जितना भी क्वेश्चन है अभी तक ले। देखिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नैरो स्पेक्ट्रम का है, बोला कि इसमें से कौन सा जो है कि नैरो स्पेक्ट्रम जो है कि इंसेक्टिसाइड्स है, यानी कि जो है कि बोलता नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स में से कौन सा है वो देख रहे हैं हम। जो है ऑप्शन ए में है ट्राइकोडर्मा, बी में है बेसिलस का है थ्यूरिंजेंसिस, फी में क्या है स्पायरुलिना, और फिर क्या है अगला में क्या है बैक्यूलो वायरसस, यानी कि इसमें जो है कि इसका आंसर जो है कि डी हो जाएगा, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी जो भी है इसी में पढ़ना है। इसमें भी इंसेक्टिसाइड, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड के बारे में भी जो है कि आगे चैप्टर में यही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी सही हो जाएगा आंसर, डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है, देखिए 33 में क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या बोल रहा है। इन STP द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज कम्प्लीट विद द हेल्प ऑफ, बोला किसके द्वारा जो है किसके मतलब के हेल्प जो है कि STP द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट काम जो है कि कम्प्लीटेड होता है। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर कितना है, 33 में देखने हैं हम। ठीक देखिए क्या है, एनएरोबिक पैरासाइटिक बैक्टीरिया, इलाम का एनएरोबिक सिंबायोटिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया। इलाम क्या बोल रहा है, एनएरोबिक डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, दोनों एक ही लिखा गया है, बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग दोनों जो लग रहा है कि सेम ही लिखा गया है। इसमें जो है इसका आंसर जो है कि सी सही है, दोनों सही हो जाएगा, सी एंड डी, सी आंसर सही है, एनएरोबिक
हाँ सॉरी एरोबिक एंड एनएरोबिक लिखा हुआ है, यानी कि एरोबिक होगा सही, यानी कि सी होगा सही, डी में एनएरोबिक है एरोबिक है, ध्यान दीजिएगा ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है ग्लोमस, क्या बोल रहा है, ग्लोमस इज जो है, ग्लोमस इज क्या है, जीनस इन फंगस डज नॉट हेल्प द हेल्प द होस्ट इन, मतलब किस में जो है कि हेल्प होस्ट को ग्लोमस नहीं हेल्प करता है फंगस में। देखिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 जो है, 34 में क्या बोल रहा है, ए में क्या है, रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट पेस्टिसाइड, का है कि रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्टिसाइड, बोल रहा है रेजिस्टेंट टू रूट बोर्न पैथोजन, अगला में क्या है बोल रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द क्या है फॉस्फोरस, अगला में क्या बोल रहा है टॉलरेंस टू क्या है सेलेनिटी एंड ड्रॉट, इसका आंसर जो है कि आप लोग ध्यान से देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा, रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्टिसाइड, इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 35, क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल वाज गिवन बाय, सॉरी वाज बाय, मतलब कौन सा जो है कि जो है बोल रहा है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसके बारे में हमको बताना है। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सेंटली कोहेन एंड द क्या है हर्बर्ट बोयर यूजिंग द प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई ऑफ द एस्ट्रेचिया कोलाई, COLI यहाँ पे है, गलत लिखा है COLI, एस्ट्रेचिया कोलाई, मैंने इसको इकोलाई भी बोलते हैं, एस्ट्रेचिया कोलाई को ही क्या बोलते हैं इकोलाई बोलते हैं, एस्ट्रेचिया कोलाई को ही बोलते हैं इकोलाई। आगे क्या बोल रहा है, एस्टेलेन एंड कोहेन एंड क्या है हर्बर्ट बोयर यूजिंग द प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफी, हम लोग पढ़ेंगे जिसमें जो है कि इन लोग जो है कि साल्मोनेला टाइफी का ही यूज किए थे, यानी जिसका ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा सही, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट 36 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंजाइम, इसमें से बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंजाइम, इसमें से कौन सा एंजाइम नहीं है, ठीक है, बोला कि इसमें से कौन सा एंजाइम नहीं है, इसका आंसर जो है कि कहा जाएगा डी एंजाइम नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, इंसुलिन जो है कि इंसुलिन क्या होता है हार्मोन, इको आर आई जो है कि पेप्सिन जो है सेवरो ओका जो है कि तीनों क्या होता है एंजाइम होता है, ये सब तीनों एंजाइम होता है, बट इंसुलिन जो है कि एक हार्मोन होता है, इसलिए जो है कि इसमें ग्लूकोज लेवल के जो है रेगुलेट करता है हार्मोन इंसुलिन, इसमें क्या हो जाएगा डी इंसुलिन। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 37, चूज द क्या बोल रहा है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा गलती चूज करना है, फॉर का फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर डी एन ए द वेक्टर एंड द सोर्स डी एन ए शुड बी कट बाई यूजिंग सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कह रहा है कि दोनों जो है कि एक ही प्रकार के एंजाइम से इसको हम कट करते हैं, ये बोल रहा है। बी में बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है, चूज द रॉन्ग, कौन गलती है, यानी कि इसमें पहला हमको सही लगा, ये सही है यानी कि गलत नहीं। कागला में क्या बोल रहा है, प्लाज्मिड हैव अ एबिलिटी टू रेप्लीकेट, ये भी सही है, प्लाज्मिड रेप्लीकेट करता है, एबिलिटी उसका है, आप लोग जब पढ़िएगा बायोटेक्नोलॉजी में तो चैप्टर में है, तो उसमें भी इसमें बताया गया है, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या कट लिखा है रेप्लीकेट इमिडिएटली विद द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। अगला में क्या बोल रहा है, इन नॉर्मल कंडीशन डी एन ए कैन नॉट पास द सेल मेम्ब्रेन, ये भी सही है, नॉर्मल कंडीशन में जाएगा डी एन ए सेल मेम्ब्रेन पास नहीं होता है, डी में क्या है नॉर्मली क्या है बायोलिस्टिक मेथड इज यूज इन द ट्रांसफर ऑफ द आर डी एन ए एनिमल सेल, नहीं ये गलत है, ये नहीं होता है, एनिमल सेल में रिट्रो वायरस को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कि म्यूचुअलिज्म में बी बेस्ट डिफाइंड एज, क्या होता है और रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्पेसीज, बोल रहा है कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पेसीज, दोनों के बीच में क्या जो है कि दोनों होता है स्पेसिफिक रिलेशन होता है, देखिए ये भी रिलेशन होता है, ऐसा बात नहीं रिलेशन नहीं होता है, होता है रिलेशन, लेकिन बोला है कि बेस्ट डिफिनेशन कौन सा ही देखना है हमको, और रिलेशनशिप विच द क्या बोला है कि फेवरेबल टू बोथ बट नॉट क्या है ओब्लीगेटरी, यानी कि दोनों फेवरेबल है लेकिन ओब्लीगेटरी नहीं है, ये बोल रहा है। अगला में क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन टू सिम्बायोटिक ग्रुप्स, अगला में डी में क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप विद द फेवरेबल बोथ एंड ओब्लीगेटरी,
यानी कि क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी कि मुचुअलिज्म मतलब होता है कि दोनों को फायदा, अगर ये दोनों को ही एक साथ फायदा होना चाहिए तभी होता है मुचुअलिज्म। मुचुअलिज्म कहने का मतलब यही होता है कि मान लीजिए कि इसमें इसका एग्जांपल जैसे हम क्या बोलें, एग्जांपल में देखिए जैसे कि हम लोग जो है कि होता है ना, होता है जानते हैं, होता है पोलिनेशन। तो पोलिनेशन में क्या होता है कि मधुमक्खी जो होता है कि पोलिनेशन आता है तो वहाँ पे वो जो है कि नेक्टर पी लेता है, उसका क्या होता है पौधा होता है पोलिनेट हो जाता है। यानी कि दोनों का हो गया, दोनों का फायदा हुआ, तो क्या होगा मुचुअलिज्म। चाहे फिर बाकी एग्जाम्पल में क्या ही देखिए, अगर ये लोग नहीं बोलते हैं कि दो लोग शादी कर रहे हैं तो क्या होता है, दोनों अपना मर्जी से करते हैं, दोनों अपना मन पसंद से करते हैं, लेकिन दोनों का कोई ना कोई फायदा है तब तो कर रहे हैं। एक जो है कि आराम अच्छा से घर मिल जा रहा है, एक अच्छा से कर ले रहा है, तो भी क्या हुआ मुचुअलिज्म हुआ। चाहे फैमिली चलाते हैं हम लोग का आता है मुचुअलिज्म से, सब होता है आप लोग देखते हैं। देखिएगा रियल लाइफ एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल है। देखिए अगला क्या है, चूज द राइट सीक्वेंस ऑफ का हाइड का हाइड्रेट सक्सेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें बोला कि हाइड्रेट सक्सेशन क्या है, हमें चूज करना है हाइड्रेट सक्सेशन। ठीक है देखते हैं आगे, अगला में क्या बोल रहा है, हाइड्रेट सक्सेशन में क्या क्या होता है इसे। ठीक है आगे देखते हैं, फाइव प्लांट रीड स्वैप स्टेज। इसमें बहुत सारा लंबा लंबा, इसमें जो है कि बहुत लंबा लंबा ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन इसको आप लोग पढ़िए ध्यान से, इसका आंसर बी होगा सही। देखिए क्या है, फाइको प्लांट समर्ज प्लान, समर्ज प्लांट पेंट का समर्ज प्लांट स्टेज एंड द समर्ज फ्री फ्लोटिंग स्टेज रीड रेड स्वेप स्टेज एंड द मार्स मेंड एंड स्टेज स्टेज स्क्रब स्टेज इन द फॉरेस्ट। ये सब क्या है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ठीक है आप लोग देख लीजिएगा, बहुत लंबा लंबा इसका ऑप्शन, इसलिए टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम, की स्पेसिज इज, की स्पेसिज क्या होता है। इसका भी बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन, जो सही होगा ये पढ़ते हैं हम। देखिए इसका ए सही है, ए पढ़ते हैं। स्पेसिज विच एड अप टू ओनली स्मॉल का स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल बायोमास ऑफ द कम्युनिटी, एट हैज ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म एंड द क्या है एंड सर्वाइवल। यानी कि क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका भी, बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन है, बाकी सब लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है। पहला ऑप्शन सही है इसका, कि स्पेसिज किसे कहते हैं, खुद डिफेंस सारा कुछ डिफेंस जैसे पूछा है तो क्या है उसको पढ़ना है लंबा लंबा। इसमें भी देखिए क्या बोल रहा है, चूज सीक्वेंस जो अगर सक्सेशन के बारे में सीधा सीधा पूछा था, इसलिए हम सीधा छोड़ दी दो, बाकी जो समझाने लगे उसको समझाते हैं हम आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसमें से कौन सा जो है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, ये पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, थैलेसीमिया ये तो है, ये क्या बोल रहे हैं फिनाइल क्यूटोन यूरिया ये भी है, पहले में कहा क्राइडूचार्ट सिंड्रोम ये नहीं है मेंडेलियन, फिर क्या है हीमोफीलिया ये भी है। यानी कि अब इसका सी जो है कि इसका आंसर हो जाएगा सही, क्या है कि क्राइडूचार्ट सिंड्रोम जो है कि आप लोग जानते हैं कि इसमें क्रोमोजोम की संख्या है उन्होंने के चलते होता है। ये जो है कि आप लोग पढ़िएगा आगे, 12th क्लास में पढ़ना है, 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देख रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कितना क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वहाँ से, बहुत सारा क्वेश्चन आता है वहाँ से, इसलिए उसको अच्छा से पढ़ना है। आगे देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला, द यूनिट विच इज यूज टू क्या मेजर द ओजोन इज, जो है कि ओजोन को मापने के लिए कौन सा यूनिट को हम लोग यूज करते हैं, यही हम लोग से पूछ रहा है ओजोन मापने के लिए। देखते हैं क्या है इसका, इसका जो है कि डोप्सन यूनिट होता है, बाकी सब क्या ही पढ़े हैं, नैनोमीटर पर जानवे करते हैं, सेंटीमीटर जानवे करते हैं, क्या मापते हैं नैनोमीटर सेंटीमीटर में, आप सब जानवे करते हैं कि मीटर लेंथ मापने के लिए सब है यूनिट, बहुत सारा नैनोमीटर भी सब यूज के लिए बहुत सारा होता है, सेंटीमोर्गन भी जानवे करते हैं सब उसके लिए है, क्या बोलते हैं उसको मापते हैं सी सेंटीमोर्गन में, जो DNA वगैरह में देखते हैं कुछ उसमें होता है लोग है, और जो उनके लिए बी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 में क्या देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली एक्सट्रेंसिक एनिमल, एक्सटिंक्ट एनिमल जो है कौन सा, इसमें जो है कि क्या बोल रहा है रिसेंटली एक्सटिंक्ट एनिमल कौन सा, रिसेंटली में क्या हुआ है उसको बोल सकते हैं हम, रिसेंटली में कौन सा जो है कि हाल ही में कौन सा जो है कि सुप्त हुआ है विलुप्त कह सकते हैं हुआ है, वही एनिमल को बोलते हैं। इसे क्या है, ऑप्शन ए में बोल रहा है स्पायरो, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है स्पायरो, बी में क्या बोल रहा है थैलासीन, सी में क्या बोल रहा है रेड पांडा, और डी में क्या बोल रहा है वन हॉर्न राइनोसोर्स, इसे लिखा हुआ है राइनोसोर्स, राइनो लिखा हुआ है राइनो,
इसमें ऑप्शन नंबर जो है कि बी हो जाएगा, जो है फिलहाल में ही विलुप्त हुआ है, बाकी तो नहीं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, आइडेंटिफाई द, क्या बोला, आइडेंटिफाई द मिसमैच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है कि मिसमैच्ड है वो हमको पहचानना है। देखिए क्या बोला है, लिंक्ड टीम ऑर्गन, ये सही है, मिसमैच नहीं है। अगला में बोल रहा है काची लिंक जो है कि टीम ऑर्गन जो है लिंक जिनके बारे में बताया था, टीम ऑर्गन ही बताते हैं यानी कि सही है। राइबोसोम जो है कि गोर पैड है, ये भी सही है, गोर पैड ने बताया था, ये दोनों सही है। लैक ऑपरियन जो है कि जैकब्स एंड मोंड, ये भी सही है, लैक ऑपरियन जो है कि जैकब्स एंड मोंड ने दिया था, ये भी सही है। सब एनसीईआरटी की लाइन है सब, देखिए बाकी लूप में जो है कि क्या बोल रहे हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला जो है कि ई नहीं दिए थे, वहाँ पर कोई और दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला जो लोग पढ़े होंगे इसमें था, सेल थ्योरी में था, वहाँ पर दिया गया था, इसलिए ये नहीं दिया था, ये भी क्या है, ये गलत है। यानी कि 11th क्या पढ़िएगा चैप्टर सेल में, वहाँ सेल थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे तो वहीं पढ़ना है, यानी कि आप इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, इमरजेंसी हारमोन्स आर, इमरजेंसी हारमोन्स क्या होता है वो देखना है हमको। इमरजेंसी हारमोन मतलब कहने मतलब होता है कि वैसा हारमोन जो है कि इमरजेंसी में काम आता है, जैसे कि हम लोग अगर पीछे का मान लीजिए कुत्ता का दौड़ाने लगा, ये बोलते हैं डॉग दौड़ाने लगा, या फिर कभी कभी हम लोग कहीं भी जाते हैं जंगल वगैरह कोई दौड़ाने लगता है तो क्या होता है, हम लोग फटाफट भागते हैं, बहुत स्पीड से भागते हैं। स्पीड से भागने का मतलब क्या होता है, हम लोग को जो है कि बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग हो जाता है, होता है तेज। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में आप लोग भागने के लिए बोले तो आप लोग नहीं भाग सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जाकर बहुत स्पीड से भागते हैं, तो कौन सा हार्मोन निकलता है इसके कारण भागते हैं, ये देखना है हमको। बोला डी में क्या बोला है, आयोडीन डेरिवेटिव, में क्या बोला है, एस्ट्रोल हार्मोन्स, अगला में क्या बोला है, प्रोटियोसियस हार्मोन, पहला में ए में क्या है, कैटाकोलामिन्स, यानी कि इसका आंसर ए होगा, कैटाकोलामिन्स जो है कि इमरजेंसी हार्मोन है। आप लोग ये भी NCERT 11th में पढ़े होंगे, लास्ट चैप्टर में हार्मोन वाले चैप्टर में लिखा हुआ है कैटाकोलामिन्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है देखते हैं, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डिप्लोटिक लाइफ साइकिल, कौन सा क्या बोल रहा है कि साइकस फ्यूकस सोलेनम एंड क्या है एक्टोकार्पस, क्या बोल रहा है एक्टोकार्पस, इसमें कौन सा जो है कि डिप्लोटिक लाइफ साइकिल नहीं शो करता है, ये आपको देखना है 46 का, इसमें क्या हो जाएगा जो है कि एक्टोकार्पस जो है कि डिप्लोटिक लाइफ साइकिल नहीं शो करता है। आप लोग अगर पढ़े होंगे अगर जो 11th के NCERT जो है कि उसमें जो है कि शायद किंगडम एलगी में जो है कि वहाँ पर दिया गया है कि ये जो है कि एक्सेप्शन में ही तीनों दिया गया है, इस एक्सेप्शन में ही तीनों, ये दोनों एक्सेप्शन में है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा वहीं पे तो लिखा हुआ है। इस समय क्या होता है डिप्लोटिक लाइफ साइकिल होता है, इसमें एक तो कार्पस में जो है डिप्लोटिक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, चूज द क्या बोला इनकोरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कहा जाएगा चूज द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलती है, PPE जो है PPE कार्बोक्सिलेज इज फाउंड इन द मेजोफिल ऑफ द C4 प्लांट, यानी कि सही है। आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी में है इसको देख लीजिएगा एक बार, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी में ही आप लोग जैसे एनिमल फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना था ना, वही प्लांट फिजियोलॉजी में दिया हुआ है, ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर में है, फोटोसिंथेसिस में पढ़ लीजिएगा। कहा है RUBP जो है कि RUBP कार्बोक्सिलेज इज फाउंड इन द बंडल ऑफ सी द सेल्स ऑफ C4 प्लांट, ये भी सही है, यानी कि ए भी सही है। मेजोफिल सेल इज लैक रूबिस्को एंजाइम, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, C4 एसिड OOA इज फॉर्म इन द बंडल ऑफ सी सेल, नहीं ये नहीं होता, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इसका, एक हमको इन ग्रुप चूज करना था। देखिए अगला है 48 क्या बोल रहा है, डिसेंडिंग लूम ऑफ द हेनले अलाउ द रीऑब्जॉर्प्शन ऑफ द, इसमें से डिसेंडिंग लूम आप लोग जो है कि एक क्रिएटिव सिस्टम पढ़े हुए तो वहाँ पर बोल रहा है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है कि क्या जो है कि उसमें करता है, उसको देखते हैं अलाउ क्या आप करता है उसके बारे में हमको जानना है। बोला है कि सोडियम एंड द क्लोरिन आयन्स ओनली, नहीं, हाइड्रोजन एंड द पोटेशियम ओनली, नहीं, इसमें क्या होगा वाटर ओनली, क्या कि डिसेंडिंग लूप है, डिसेंडिंग यानी कि घटते वाला में जो है, घटने वाला में जो है कि आप लोग जानते हैं वहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो वाटर बाहर आएगा तब तो उसका कंसंट्रेशन मैच करेगा, इसलिए जो है कि वाटर वहाँ पर ओनली होता है ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड। ठीक है यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कहा हो जाएगा CH करेक्ट 48 का। आगे देखते हैं हम 49 बोला कि चूज द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, इसमें से कौन सा गलत है इसके बारे में चूज करना है, अबाउट का है मसल कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग,
ये मसल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कौन सा गलत चीज करना है देखते हैं हम। अगला बोल रहा है कि आई बैंड गेट रिड्यूस, ये सही है, आई बैंड रिड्यूस था मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ए बैंड रिमेन द लेंथ रिटेन द लेंथ, ए बैंड रिटेन लेंथ का सिस्टम सही है। का है शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर अकर्स, ये भी सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए है। सोडियम आयन आर रिप्लेस्ड फ्रॉम द सार्को, सोडियम आयन आयन्स आर रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म, नहीं गलत है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, देखते हैं 50 में क्या बोल रहा है। इन 50 में क्या बोल रहा है, 50 में देखते हैं। इन जो है कि सैंपल पॉपुलेशन द एलील फ्रीक्वेंसी रिसीव का ट्रेड इज 16%, देन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेट्रोजीनस इंडिविजुअल एज कितना होगा, इसमें क्या है 16%, इसका जो है कि होगा कितना 48%। ठीक, इनका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आगे जो है, आगे आप लोग का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप लोग, पीडीएफ के लिए इनको भी पीडीएफ चाहिए आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स देखने के लिए, आगे आप लोग पढ़ते रहिए। अगला मिलते हैं केमिस्ट्री के साथ जो है कि अकाउंट से आगे जो भी होगा केमिस्ट्री उसको देखते हैं।